मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। मेरी माँ का जेवर है और मैं उनकी अकलौती बेटी हूं। मुझे जेवर देना तो दूर की बात, मुझे किसी ने बताने की तौफीक तक नहीं की। खैर, बताया तो मुझे भी कुछ नहीं गया। भाई, कोई कारून का खजाना है जो आप लोग ये बातें कर रहे हैं? जुनेद भाई, मेरी माँ का जेवर मेरे लिए खजाने से कम नहीं है। सुने कोई वापस जा रहा है आज? बात रह लिया मैं क्या? रह लिया या सह लिया? आती, ये मेरे भाइयों का घर है और मेरे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। बात करने वाले कम न होंगे। ये कौन है? दादी बाबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ बैठे। बिस्मिल्लाह। अरे, मेरे बेटे जुबैर के हाथ पर भी ना ऐसा ही दिल है, गोल, पूरे चांद जैसा। दादी, आपके बेटे ही तो हैं जुबैर। बेवकूफ हो तुम भी, हर आदमी को मेरा बेटा बना देती हो। पागल, मेरे दो बेटे हैं, जुनैद और सूबी। सूबी बहुत शरीर है, उसके लंबे लंबे बाल हैं, सीधे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और मोटे मोटे कान। तुम जुबैर को जानते हो? नहीं, मैं जूबी से आज तक नहीं मिला। अरे, वो ही है ना, वो जो मैरून कोट और खाकी पतलून पहनकर हर रोज शाम को अपनी साइकिल लेकर बाहर निकल जाता है, वो जो गाता है मेरी नई साइकिल तेजी से जो चली, फाटक से निकली बाहर की गली, ऐसा ही था कुछ। मैदान का चक्कर काटा, घर को वापस लौटा, मम्मी ने जो देखा और भी जोर लगाया। मम्मी ने जो देखा और भी जोर लगाए। मम्मी ने शाबाशी दी, भागा जैसे घोड़ा। मम्मी ने शाबाशी दी, भागा जैसे घोड़ा। सामने आया खंबा, तेजी से जो मोड़ा। आहिस्ता से भी आहिस्ता, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी तुम्हें। सुबह देखा, गिर गए ना। मैं कह रही थी ना आहिस्ता जाओ, सुनते नहीं तुम, बहुत शरीर हो। मम्मी, आप अपने जूबी को पहचानती हैं? आपको मैं याद हूं? हाँ। मुझे भूली तो है? नहीं। Do you still recognize me? I do. मुझे माफ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादतियां की,
बहुत इग्नोर किया, अब ये समझने वाली ही बात है ना, आखिरकार ये इनकलाब खुद से तो नहीं आ गया ना, जो जुबैर भाई और सोफिया भाभी जाकर रम्मी पापा के कदमों में अब बैठना शुरू हो गए। मैं मानती हूं कि आखिरी अशरे का सवाब वो भी हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें इन्हें रमजान में ही क्यों याद आती हैं, पूरा साल क्यों नहीं? खैर अल्लाह माफ कर दे, नमाज पढ़ने बैठी हूं और दिमाग न जाने किस किस सिमत जा रहा है। हाँ तुम नमाज पढ़ लो। मैं कैसे पढ़ू जुनैद, खुद ही सोचिए कि एक तरफ मेरे दिल में खलबली मची हो और मेरा ध्यान ही बटा हो, तो मैं कैसे नमाज अदा करूं? किस बात की खलबली है? देखे जो मेरा फर्ज था मैंने तो किया, क्योंकि अल्लाह को जवाब देना है। मैंने मम्मी के सारे जेवरात लौटा दिए, लेकिन जब से घर में सबको इस बात का पता चला है, हर कोई उनसे जाकर चिपक गया है, चाहे फिर वो सोफिया भाभी हो या पॉपी। पहले जाने लगी थी, बाद में यही सामान खोल कर बैठ गई। खैर कोई बात नहीं, मुझे कौन सा जेवरों की लालच है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ जितनी खिदमत आपने उनकी कर छोड़ी है, उसके बाद तो सारी चीजें वो आप ही को देंगी। उनकी जबाब पे सिवाय जुनैद के वैसे भी कोई नाम नहीं होता। डॉक्टर का फोन आया, कह रहा था मम्मी के टेस्ट ठीक नहीं आए। जुनैद मैं आपकी परेशानी को समझ सकती हूँ, मगर बीवी होने के नाते आपको सिर्फ इतना ही मशवरा दूंगी कि प्लीज मजीद टेंशन मत लीजिए। मैं जानती हूँ कि जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह की जात ही कर सकती है, लेकिन हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। आपको पता है मैंने दर्स वाली आपा से भी यही गुजारिश की है कि अब से जितने भी दर्स दें सब में मम्मी का नाम लेकर उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। आपको पता है सारे जानने वाले बहुत अजीब और गरीब बातें बना रहे हैं, मिसेस जफर, समीना आपा, बाकी सारे मुझे फोन कॉल्स कर रहे हैं और यही पूछ रहे हैं कि सुना है तुम्हारी सास की तबीयत बहुत खराब है, कहीं कुछ उन्हें हो ना जाए। मैंने एक ही जवाब दिया कि ऐसी कोई भी प्रिडिक्शन करने वाले हम इंसान कौन होते हैं, आप सबको तो यही दुआ करनी चाहिए कि मेरी सास को अल्लाह ताला बहुत लंबी उम्र अता करें। बहरहाल आप इस तरह क्यों बैठे हैं, अब आप नमाज की तैयारी कीजिए, मेरा भी नमाज पढ़ने का वक्त। ये लो पिक वन। ये क्या है? ये वो ऑप्शंस हैं जो मामा ने तुम्हारे लिए शॉर्टलिस्ट किए। मतलब? भाई मतलब ये कि इसमें से कोई एक जल्दी ऑप्शन फाइनल करो, ताकि नए दूल्हे और पुराने इंतजाम के साथ इंशाल्लाह ताला तुम्हारा निकाह चांद रात पे हो जाए। क्या बकवास है ये? बकवास तो है, लेकिन मामा ने सख्ती से मना किया कि किसी की शक्ल और सूरत का मजाक नहीं बनाना चाहिए, गुनाह मिलता है। तो एक जल्दी से इसमें से तुम फाइनल करो। क्या पागल हो गए सब लोग, दिमाग चल गया क्या सबका? वैसे सबकी बस हो गई है। ये? एक मिनट, ये वाला जो है ना, इसको आतिफ भाई, पोपी पप्पू और मैंने, हम सब ने मिलकर ना 5 में से 10 दिए, तो ये कुछ देख लो ये बेहतर है, बाकी सारे फेल हो। क्या तुम लोग सब मिलकर मेरा तमाशा बना रहे हो? नहीं जारा, हम सब ने मिलकर अलग अलग बैठ के नंबर दिए हैं इसको, और जरा भी चीटिंग नहीं की है। और ये जो 10 में से 5 पा रहा है ना, इसकी 3-3 फैक्ट्रीज है पेंट की, और इसका एक निकाह होकर टूट चुका है। वैसे भी सबकी शादियां होकर टूट गए, ये कहना चाह रही हूँ ना तुम। अरे जारा क्यों मूड खराब कर रही हो तुम? अच्छा चलो तस्वीरें देखो, चलो ये देखो, तुम देख लो, तुम ही पसंद कर लो। देखो अच्छा है ये, देखो गौर से देखो, ये देखो। दूसरों का सुकून बर्बाद करके खुद चैन से सो रहे हो। बहुत दावे किए थे ना तुमने मुझसे, मुझ में से फूलों की खुशबू आती है, मेरी आंखें जैसी कोई आंखें नहीं, यूएस में तुम्हें मेरी याद जीने नहीं देती, मुझे खोकर तुम्हें बेहद सदमा है, एक पल तुम्हें चैन नहीं आया है ना, यही कहा था ना तुमने मुझसे? हाँ तो बिल्कुल सच है। सच है? ये सच है आतिफ? सच तो ये है कि तुमने मुझे खिलौना समझा हुआ है, जिसे तुम चाबी लगाकर तमाशा देखते हो। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे जारा, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है, मैं यूएस में हूँ यार, तुम्हारी याद खुशबू बनकर यूएस में मुझे तंग करती है, यूएस में आकर पछता रहा हूँ मैं। हाशिम से शादी मत करो, तोड़ दो उससे रिश्ता,
क्या मुझ पे यकीन नहीं है? मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ जारा, अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हर्फ बहर्फ सच है। ये भी सच है आतिफ कि तुम मेरे लिए लड़कों को पास और फेल करते हो। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें, बहुत मजे की बात है, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं तुम्हारे रोजे, है ना? ये भी हर्फ बहर्फ सच है। मैं किसी की जायदाद नहीं हूँ आतिफ, कि जब चाहो से गिरवी रख दी और जब चाहो से अपना लिया। इंसान प्लीज मुझ पे तर्ज खाओ, मेरा तमाशा मत बनाओ और मुझे माफ कर दो। मुझे कब माफ करोगी? बताओ कब माफ करोगी मुझे? देख लो, अगर माफ ना किया तो चाची किसी मोटे और गंजे आदमी से, जिसकी दो मंगनियां और दो निकाह टूट चुके हैं, तुम्हारी शादी करवा। बहुत चाहती है ना मुझे, पर माफ नहीं कर सकती। माफ कैसे करोगे? आखिर को तुम्हारी रगों में भी तो इसी खानदान का खून दौड़ा है ना। जो मोहब्बत तो बहुत करते हैं लेकिन माफ नहीं कर सकते। एनीवे यू डोंट वरी, मेरे होते हुए कोई तुम पे अपना फैसला साबित नहीं कर सकता। होगा वही जो तुम चाहोगी। बोलो क्या चाहती हो तुम? इतनी सख्ती क्यों करती हो तुम? आप जाओ यार, सोने दो। ज़माने भर के रंग या एक तेरा रंग, ज़माने भर के रंग या एक तेरा रंग। हद होती है भाई, ये तो समझ में नहीं आता कि जुबैर क्यों बच्चों के साथ बच्चा बन रहा है। ऐसे मिलकर गाने गा रहा है आतिफ के साथ जैसे कि वो छोटा सा बच्चा हो, और उसे बहुत अच्छा भी लग रहा है ये सब कुछ। अब देखे ना, मेरे भोले भाले पापा को भी साथ में मिला लिया, तो क्या लड़का है आतिफ। तुम्हारे बाबा कोई बच्चे तो नहीं है ना जो आतिफ ने कुछ कहा और वो मान ले। उन्हें खुद एहसास होना चाहिए कि माह रमजान हाथ से निकला चला जा रहा है। देखते ही देखते ये दिन कैसे गुजरे। अब ये वक्त थोड़ी है कि मम्मी डैडी के पास बैठकर बस उन्हें नगमे सुनाए जाएं। ये वक्त तो जितना ज्यादा हो सके इबादत में इंसान को मशगूल रहना चाहिए। मगर नहीं, किसी को मेरी बात समझ में कहां नहीं। मेरी बात कहां सुनता है आतिफ रुखिताई, वो बस अपनी मनमानी करता है। एक तुम्हारी ही तो सुनता है वो। तुमने देखा नहीं कल कैसे तुम्हारे मॉम डैड से उलझ गया वो। मैंने उसे समझाया भी था कि इस मामले से दूर रहे, मगर उसने मेरी कहां सुननी होती है। कैसी बहस? इतनी लंबी बहस के ना पूछो। वही जो सोफिया के पास तुम्हारे लिए दो चार अच्छे रिश्ते आए हुए, जब आतिफ ने सुना तो वो तो आग बगुला हो गया कि कोई जरूरत नहीं, जब तक जारा की मर्जी नहीं होती इस घर में किसी को आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें वो भी क्या बोलती, आजकल के बच्चों को ये बातें नहीं समझ में आती, लेकिन ये सब चीजें इम्पोर्टेंट हैं। देखो, तुम लोगों की नस्ल कभी भी इस बात को नहीं समझ सकेगी कि ये चीजें कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं अगर वक्त से हो जाए। अब देखो ना, मैंने हमेशा से तुम्हारे और आतिफ के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ था, लेकिन नहीं, ना आतिफ ने मेरी मानी और ना तुमने, और उसके बाद तो वो यूएस चला गया। हाँ, वो यूएस चला गया, मगर जारा तुमने क्यों जाने दी? तुम उसे पकड़ कर यहां बिठा नहीं सकती थी, जबरदस्ती। वैसे जारा एक अजीब सी बात है, तुम तो उसकी कजन हो, तुम आतिफ से पूछ सकती हो। कल ना पता नहीं किस अमेरिकन लड़की की कॉल आई थी उसके फोन पर,
मैंने जुनैद से कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन साइट पर जाके उससे बात कर रहा था। बहुत अजीब सा लगा मुझे, मैं डर गई कि कहीं कोई सीरियस बात ना हो, और कल को पता चले कि आतिफ भी किसी फॉरेनर में इंटरेस्टेड है, तो अल्लाह, मैं तो सोचती भी हूँ तो मुझे घबराहट होती है कि मैं कैसे किसी गैर मजहब की फॉरेन लैंग्वेज बोलने वाली लड़की को अपनी बहू समझ लूं या एक्सेप्ट कर लूं। रुखिदाए, आप परेशान मत हो, क्या पता वो उसकी कोई कुलीग हो। नमाज पढ़ ली तुमने? एक तो इस घर में अपने रोजों और नमाजों से ज्यादा सबको दूसरों की फिक्र है। हर एक के हाथ में ना हिसाब की किताब है। भाई ये फरिश्तों का काम है, आप लोग इंसानों वाला काम करो प्लीज। अच्छा, और ये इंसान क्या कर रहा है? दादी की डायरी पढ़ रही हूँ, देखना चाहती हूँ कि ऐसी क्या खास बात है इसमें जो मामा और बाबा इनकलाबी तौर पर दादा दादी की खिदमत में लग गए। किसी खजाने का नक्शा है जिसकी सुरंग दादा दादी के पलंग के नीचे। नादिया, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शर्म तो नहीं आती, लेकिन हैरत जरूर होती है कि आखिर ये काया पलटी कैसे। और इस डायरी में तो पोपी पुप्पो, ताया जान और बाबा के बचपन के किस्से, किसी खजाने का नक्शा नहीं है। दादी उनकी माँ है नादिया, और ये मोहब्बत अचानक नहीं हुई, हमेशा से थी। जरा बस जरा इग्नोर करते थे उनको, घर में किसी डिनर पर किसी पार्टी पर उनको नीचे नहीं लाया जाता था, इस डर से कि वो कुछ एम्बैरेसिंग या शर्मिंदा करने वाला ना बोले। और अब मामा और बाबा उनकी इस कदर खिदमत कर रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या चक्कर है। तुम दादी की नियत पर शक कर रही हो? दादी ने जो कुछ भी इस डायरी में लिखा है शायद उन्होंने अपने बच्चों से कभी नहीं कहा। बहुत दूर से, बहुत छुपाकर, बहुत रुककर मोहब्बत किया उन्होंने, शायद इसलिए सब बच्चे उनसे दूर हो गए। अगर चूम कर, सीने से लगा कर, करीब लाकर मोहब्बत करती तो ये दूरी बीच में कभी भी ना आती। जिस तरह तुम आतिफ भाई से मोहब्बत करती, रुक कर, दूर से, छुपा कर। और जारा, अगर तुम ऐसा ना करती ना तो ये दूरी बीच में कभी भी नहीं आती। ईद के बाद चले जाएंगे आतिफ भाई, शुरू के दो आश्रम में तो ना सही, पर तीसरे आश्रम में इंसान को इस्लाह की तरफ आ जाना चाहिए, सच बोल देना चाहिए एटलीस्ट। और ये क्या दुखी हीरोइनों वाली मोहब्बत है तुम्हारी, हर वक्त बैठ के आंखें भरती रहती हो। खुदा ना खास्ता मुझे मोहब्बत हो गई ना तो अलल ऐलान डंके की चोट पे करूंगी मैं मोहब्बत, तुम्हारी तरह घुट घुट कर नहीं होगी। क्या फजूल बातें हैं नादिया। मैडम किसी चक्कर में मत रहना, और आतिफ भाई को ना आज भी अपनी गर्लफ्रेंड से फोन आते हैं। मोहब्बत करने वाले कम। अरे हम तो हर इम्तिहान से गुजरने को तैयार हैं, हर आजमाइश के लिए तैयार। कोई मौका तो दे। एक बार आजमाया तो था, ऐसा धोखा खाया कि तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ जी, पूरे मोहल्ले को पता चल गया है कि इस घर वाले कितने दीनदार हैं। अरे देखे, गिन के ही अंदाजा लगा देते हैं कि कितने सच्चे और पक्के मुसलमान हैं।